आज के इस आशीष दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 72 से 75 तक वचन का मनन करेंगे कि हमारे पूर्वजों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। पढ़े हुए इस वचन के आधार पर हम जीवन भर परमेश्वर की आराधना करने के लिए कृपा मिले इस विषय पर मनन करेंगे। परमेश्वर के द्वारा मैं और आप धर्मी बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त किए एक व्यक्ति के जीवन की न बुझने वाली इच्छा है कि वो अपने जीवन भर अंतिम श्वास तक प्रभु की आराधना करे। आज हम प्रभु की आराधना न करने के लिए कई बहाने बनाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने मुंह खोलकर उसकी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। आराधना जो हमारे जीवन का एक प्रमुख भाग होना चाहिए वो अब हमने आराधना करवाने वाले दल या उस व्यक्ति को सौंप दिए हैं। गीत गाना, संगीत उपकरण बजाना ये उस दल की जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर आराधना करने के लिए आए हुए जन अब केवल दर्शी बनकर खड़े हैं और यह स्थिति किसी भी व्यक्ति का आत्मिक पतन का एक चिन्ह है। इस बात को ध्यान रखना है कि आराधना की अगुवाई करने वाला केवल पवित्र आत्मा है, कोई दल या फिर कोई संगीतकार नहीं होना चाहिए। आराधना की पूरी जिम्मेदारी सारे संगीत उपकरण सभी प्रकार के वरदानों के साथ परमेश्वर की आराधना गीतों के साथ करने वाले होने के बाद भी हम में से कोई भी दर्शी न बनकर बल्कि परमेश्वर की आराधना जीवन भर करने के लिए इच्छा रखने वाला होना है। शायद हो सकता है कि जकरिया के जैसे हम उम्र में बड़े हैं, एक पीढ़ी देखने के लिए प्रार्थना कर रहे के थक गए होंगे, लेकिन इन सब पर जय पाकर जीवन में एक ही इच्छा रह गई है कि जीवन भर परमेश्वर की आराधना करनी है। जकरिया के लिए उसकी जीवन की ऐसी परिस्थिति परमेश्वर की आराधना करने के लिए रुकावट नहीं बनी। आज की सुबह जिस वचन को हमने सुना है उसके अनुसार प्रार्थना करने वाले बने। भजन संहिता 51 के 15 में इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। इब्रानियों की पत्री 13:15-16 के अनुसार, मैं और आप होंठों का बलिदान उसके नाम पर चढ़ाएं, उसके लिए प्रभु हमारी मदद करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, आज हम अपना मुंह खोलकर तेरी आराधना करने वाले बनने पर पिता परमेश्वर, जो वरदान तूने हमें दिए हैं, बोलने का वरदान, ताली बजाने का वरदान, प्रभु हम पूरे सामर्थ्य से भर कर तेरी आराधना करें, पूरा मुंह खोलकर तालियां बजाकर पिता परमेश्वर हम दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं पूरे सच्चे मन से तेरी आराधना करने वाले बनने पर ऐसी कृपा ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका दिन शुभ हो।